हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लो जी, सुबह के अभी 3:30 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं टाइम अभी। तो आज मैं जल्दी उठने का यही कारण है कि आज है फर्स्ट नवरात्रा, और आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए जी, आज नवरात्रि की खुशी में हम जाग उठे हैं और घर की हो रही है सुबह सुबह साफ़ सफाई। और ऐसे तो मैंने कल कर दी थी साफ़ सफाई, लेकिन अभी भी मुझे करनी थी। तो देख सकते हैं, ये देखिए मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, और झाड़ू अंदर से लगा के मैं यहाँ तक आ गई हूँ बाहर वाली साइड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो आज वैसे भी नवरात्रा भी है, तो 3:30 हो रहे हैं, अभी 4 बजने वाले हैं। ये देखिए मॉर्निंग के 4 हैं। तो बाहर भी आप देख सकते हैं अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। तो ये देखिए, मैंने अभी कपड़े जो है 3 बजे उठ गई थी, पता नहीं क्यों आज कैसे माता रानी ने मेरी आंखें खोल दी और 3 बजे उठा दिया। और ऊपर से थोड़ी फैमिली की कंडीशन भी है, तो मतलब देख रेख में थोड़ा सा आँख नहीं लगती है, तो उसी के चक्कर में थोड़ी जल्दी जाग आ गई थी। तो ये देखिए, अभी मैंने कपड़े भी वहाँ पे धोकर सुखा कर यहाँ पे रख दिए, क्योंकि आज वेडनेसडे है। और कपड़ों को तो मैंने अभी ड्राई कर दिए हैं, सिर्फ जो हम माता की क्यारी लगाने वाले हैं ना, तो उससे पहले पहले हम ये झाड़ू पोछा बर्तन, और बर्तन नहीं, झाड़ू पोछा कपड़े ये पहले कर लेंगे। तो देखिए अभी ये इतना सारा काम हो गया है, रहा सिर्फ मेरा पोछा। तो चलिए फटाफट अपने काम को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, और मैं जस्ट अभी अंदर से ही झाड़ू लगाते आ रही थी, और फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। और देखिए 3 बजे उठी थी, सच बता रही हूँ कसम से फ्रेंड्स, 3 बजे उठी थी, क्योंकि आज मेरा मतलब जब से बेबी हुआ है ना, तब से मैं पहली बार आज 3 बजे उठी हूँ, सच बता रही हूँ। तो 3 बजे उठने का कारण यही था कि आज नवरात्रे हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे नहीं उठती हूँ इतनी जल्दी, लेकिन नवरात्रे थे, मुझे माता की क्यारी लगाने से पहले जो माता की चौकी जिसको बोलते हैं, तो मैं मतलब ये सब काम करने से पहले मैं ये सब कपड़े, और चाहे वो पोछा है चाहे वो झाड़ू है, ये मैं सब करना चाहती हूँ। और उससे भी पहले मैं नहाना चाहती हूँ, 6 बजे से पहले पहले मैं नहा लेना चाहती हूँ, तो तब जाके मैं अच्छे से पूजा कर पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मतलब मैं कपड़े जो है डाल दी हूँ। अभी कपड़े इतने ही नहीं हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। अगर मतलब अभी मैं आगे अंधेरे में डालने तो नहीं जाऊँगी, जितने जहाँ पर डलेंगे उतने ही डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मैंने नाइट का ही यहाँ पर शाम को ही मैंने अपने आंगन को भी वॉश कर लिया था, एकदम वाइट वाले टाइल्स कर दिए मैंने पोछा लगाकर। और ये ब्लैंकेट भी वॉश किया है एक, वो देख सकते हैं आप। तो ये शाम का ही किया हुआ मैंने जो ब्लैंकेट वॉश किया है, बाकी वाले कपड़े मैंने अभी किए थे। और ये देखिए मैंने डाल भी दिए, थोड़े अभी मशीन में धुल रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो चलिए अभी मुझे लगाना है पोछा, और मैं जल्दी से जल्दी काम फिनिश करना चाहती हूँ, क्योंकि 6-7-8 बजे के बीच बीच में हमें माता की क्यारी भी लगानी है। तो उसका मुहूर्त अभी पता होगा हस्बैंड जी को, वो भी आ जाएंगे सुबह 6 बजे तक। तो चलिए मैं फटाफट से अभी लगा रही हूँ पोछा, और फिर पियेंगे चाय, ठीक है? तो चाय भी अब जल्दी पी लेंगे, क्योंकि मैं नाइट को 11:30 बजे सोई थी, तो 3 बजे फिर से मेरी आँख खुल गई और अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। चलिए थोड़ा सा काम कर लेंगे, जितना हो सकेगा उतना कर लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं लगाऊँगी पोछा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी सुबह का टाइम है, और हमारे यहाँ पे जो म्यूज़िक होता है ना मंदिरों में, जो सॉन्ग वॉन्ग होते हैं, वो देखिए आज 4 बजे ही लग गया। तो मतलब भजन जो है वो लग गए हैं, और 4 बज चुके हैं फ्रेंड्स। तो 4 बजे हैं, इसलिए हमारे यहाँ का 4 बजे लाउड स्पीकर जो है लग जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरा लग रहा अभी पोछा, और जस्ट अभी हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि मैं भी आ रहा हूँ, तो वो जस्ट पहुँचने वाले होंगे।
तो यहाँ पे देखिए मेरा पोछा है, मैं अंदर से करके आई थी और यहाँ तक मतलब फिर अंदर अभी पापा मम्मा सब सोए हैं, तो मैं बस बीचों बीच पोछा लगाती जा रही हूँ क्योंकि मुझे डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके मैं अपना काम फिनिश करूँगी। ये काम छोड़ के अभी मेरा एक और बहुत बड़ा काम है जो कि मैं अभी ही फिनिश करूँगी 6 बजे से पहले पहले, वो भी ब्लॉग आपको मिलेगा। लेकिन वो ब्लॉग आपको इतना मतलब इकट्ठा ब्लॉग में नहीं डाल सकती, वो ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से जो पोछा लगा दिया, और हाथों से मैं पोछा इसलिए लगा रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि जब भी मैं स्टिक से पोछा लगाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ चिपका रहता ही है, मतलब फर्श के ऊपर ना कुछ चिपक जाता है जो कि निकलता ही नहीं है। अगर कोई चिपका होता है ना तो वो हाथों से ही निकलता है, और मैं हाथों से इसलिए लगाती हूँ फ्रेंड्स। और आपको पता होगा कि कल बर्थडे था ना, तो बर्थडे के दिन जो है ना बच्चों को टॉफी वगैरह दी थी, तो उन्होंने क्या किया कि आधी खाई आधी नीचे ही फेंक दी है। और ख़ासकर मेरी माँ बेटी का हाल ये है कि थोड़ा सा खाना और बाकी फेंक देना, और वो नीचे ही गिरा दे रही थी, शायद इसने गिराई या किसी और ने, लेकिन ना टॉफ़ी जो है वो सारी चिपकी हुई थी। जब मैं पोछा लगा रही थी ना तो सारी की सारी टॉफ़ी मैंने हाथों से निकाली है। तो देखिए अभी मैं पोछा लगाते लगाते, आपको पता होगा कि मैं बार बार इसी किचन की तरफ से ही क्यों आती हूँ, आपका ये सवाल होगा क्या आपके पास यही एक रास्ता है अंदर जाने के लिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इस तरफ भी आपको एक डोर दिखेगा लेकिन वो बंद है, टोटली बंद है। वो इसलिए बंद है क्योंकि उसकी जो लक्कड़ है ना वो ख़राब हो चुकी है, और उसको हमने मिस्त्री को दे दिया है उसको बनवाने के लिए, मिस्त्री को बोल दिया है कि बना के दे दे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे पोछा हो गया है और फटाफट से मैं पोछा लगा दे रही हूँ क्योंकि अभी भी टाइम कुछ नहीं, मतलब 4:30 का टाइम तो हो गया होगा, मेरा आधा घंटा तो पोछा लग गया है शायद, मतलब इतना मैंने टाइम देखा नहीं था। तो चलिए अभी टाइम भी देखते हैं और फटाफट से पोछा लगा कर, जब भी मैं मतलब सोचती तो यही हूँ कि जितना मेरा हाथों से पोछा लगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हाथों से पोछा जब मैं लगाती हूँ ना तो एकदम चमक आ जाती है फर्श के ऊपर, लेकिन जब स्टिक से लगाती हूँ ना तो ऐसे लाइनें बन जाती है, मतलब बिल्कुल भी जैसे किसी ने ड्रॉ की हो ना लाइन वगैरह, तो उसी तरह की मेरे फर्श के ऊपर लाइनें बन जाती हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब मैं पोछा लगाती हूँ। तो जब तक मैं हाथों से नहीं लगाऊँ ना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं हाथों से नहीं लगाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा पसंद मैं हाथों से ही लगे हुए पोछे को पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं मेरा पोछा लग चुका है और मेरी स्पीड इतनी थी कि हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा तो तेज़। हे फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने पोछा लगा दिया है और सुबह के अभी बज रहे हैं 5:05 कम है, चलिए 5 ही लगा लीजिए, 5 बज चुके हैं और मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ, पोछे वाला झाड़ू पोछा और कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और बर्तन भी मैंने थोड़े से थे 2-3 वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। अभी मेरा काम क्या है, वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े डले हुए हैं जो कि धुल गए हैं, सिर्फ ड्राई करने हैं मुझे, तो वो निकाल के फिर मैं नहाऊँगी, फिर पीती हैं चाय। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद हम पियेंगे चाय, तो चलिए फटाफट नहा के आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे घर में माता रानी जी पधार चुके हैं, और माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब की झोलियाँ माता रानी भरे और आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।